आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा ने दिया पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की बहू साधना सिंह को टिकट। मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह की पत्नी व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं साधना सिंह। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संचारी रोग से संबंधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। जुलाई माह में प्रतिदिन 50,000 लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। रुपए डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले दो जालसाजों को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने दी जानकारी, कहा बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा बैठक। चयनित बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ वैक्सीनेशन के दिए निर्देश। जनपद में मंगलवार को जिला अस्पताल सहित कुल 138 केंद्रों पर रिकॉर्ड 28,105 लोगों ने कराया कोविड का टीकाकरण। सीएमओ ने कहा लोगों में बढ़ रहा है टीका लगवाने का उत्साह, जुलाई से और बढ़ाया जाएगा वैक्सीनेशन की रफ्तार। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चोरी की दो मोटरसाइकिल किया बरामद, सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। गोरखपुर में मंगलवार को मिले मात्र 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,243। अब तक 840 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 111 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। हत्या के प्रयास में वांछित एक पशु तस्कर को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। सेंटर ड्यूज कॉलेज में ट्रायकाथन 2021 ग्रैंड फिनाले का हुआ वर्चुअल उद्घाटन। प्रदेश में एकमात्र कॉलेज जहां पर आयोजित किया जा रहा है ट्रायकाथन, खिलौना बाजार को मिलेगा फायदा। जियाउल इस्लाम की अध्यक्षता में संपन्न हुई समाजवादी पार्टी महानगर की बैठक। मतदाता सूची में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने किया बजरंग बली की आराधना। प्रसाद वितरण के साथ कोरोना से बचाव के लिए बांटा मास्क, देश से कोरोना के मुक्ति के लिए की प्रार्थना। नवीन महवा मंडी में प्याज के थोक दामों में आए उछाल, आलू के दाम स्थिर। आढ़तियों ने कहा अभी प्याज के दामों में हो सकती है बढ़ोतरी। और शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार रात्रि 9 बजे तक खुली दुकानें, रात्रि 9 बजे के बाद प्रभावी हुआ नाइट कर्फ्यू। एसपी सिटी ने कहा 28 स्थानों पर बैरिकेडिंग कर कराया जा रहा है नाइट कर्फ्यू का पालन।